हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब वीडियो पर। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और पास में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। आपने देखा होगा किसी लग्जरी कार या फिर उसकी जो पीछे वाली सीट होती है, उसके पीछे वाला कांच पतली रहने होती है। क्या आप जानते हैं ये रहने क्यों बनाई जाती है और ये क्या सिर्फ डिजाइन होती है? वैसे आपको बता दूं, अगर ये डिजाइन होती हर कंपनी अपने हिसाब से डिजाइन को बनाती, लेकिन अधिकतर कारों में एक समान लाइनें पाई जाती है। सवाल आता है कि ऐसा क्यों बनाया जाता है। सबसे पहले आपको बता दें, कार पर बनी इन लाइनों को डिफोकर लाइन कहते हैं। बता दें कि सिर्फ डिजाइन नहीं बल्कि एक बेहद इंजीनियरिंग है। ये जो लाइन होती है जो मेटल की बनी होती है, अक्सर देखा जाता है कि बारिश और कोहरे के दौरान पीछे वाला कांच होता है उस पर धुंध जम जाती है। इस वजह से कार चला रहे ड्राइवर को पीछे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। इसके कारण से एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। जब ड्राइवर के द्वारा डिफोकर लाइन को ऑन कर दिया जाता है तो डिफोकर लाइन गर्म होने के साथ कांच पर जमी बूंदे को हाफ में बदल देती है, जिससे कुछ ही मिनटों में पीछे वाला कांच साफ हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।